नेखा, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी और आपकी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ती रहती है, हमारी और आपकी कहानी आगे जाती रहती है, लेकिन तेजी से बीतते हुए वक्त के बीच में ठहर कर, रुक कर अगर बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे तो कोई किस्सा ऐसा निकल कर सामने आ जाएगा जिससे जुड़ी यादें फिल्म की कहानी की तरह याद आ जाती है। इसी का नाम है फ्लैशबैक। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं फ्लैशबैक बॉलीवुड में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के दो किस्सों के बारे में। पहला किस्सा जिसके साथ तार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जुड़े हैं। महानायक अमिताभ बच्चन 90 के दौर पर हम आपको लेकर जाएंगे। 90 के दौर में बिग बी के साथ काम करने के लिए अभिनेत्रियां तरसती थी और कुछ ऐसा ही स्टारडम माधुरी दीक्षित का था। माधुरी दीक्षित के साथ हर एक बड़ा सुपरस्टार काम करना चाहता था, लेकिन माधुरी ने काम नहीं किया यहां पर कभी अमिताभ बच्चन के साथ। सलमान से लेकर आमिर खान, आमिर खान से लेकर शाहरुख खान तक के साथ रोमांस करने वाली माधुरी की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ कभी नहीं बनी, जिसके पीछे की वजह आपको जानने के लिए मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। और इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन दोनों ही अपने जमाने के सुपरस्टार हैं। इन दोनों के लिए आज भी करोड़ों दिल धड़कते हैं। जिस अंदाज में उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी हिंदी सिनेमा के प्रति इनकी जागरूकता है, हिंदी सिनेमा के प्रति इनका समर्पण है, उसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सोच कर देखिए जरा, टैलेंट का खजाना अगर माधुरी दीक्षित हैं, तो उसी टैलेंट की खान महानायक अमिताभ बच्चन है। बावजूद इसके इनकी जोड़ी आज तक फिल्मी पर्दे पर एक दूजे के साथ नहीं बनी। आज तक फिल्मी पर्दे पर इन्हें एक दूजे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि माधुरी दीक्षित को अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में ऑफर हुई थी। एक बार नहीं बल्कि बार बार माधुरी के पास बिग बी के साथ काम करने के ऑफर दिए गए, लेकिन माधुरी ने बार बार उस ऑफर को ठुकरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या माधुरी दीक्षित अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करती थी? क्या माधुरी दीक्षित बिग बी के साथ काम नहीं करना चाहती थी? क्या बिग बी के साथ काम करने से माधुरी को एतराज रहा? ऐसे कई सवाल यहां पर उठते हैं और इन सवालों का जवाब है नहीं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, माधुरी ऐसा नहीं है कि बिग बी को पसंद नहीं करती थी, जबकि सच ये है कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम ना करने का फैसला लिया। और जानते हैं, जिस दिल ने माधुरी को मजबूर किया, उस दिल में उस वक्त कौन बसा था? कोई और नहीं बल्कि अनिल कपूर। जी हाँ, बताया जाता है कि 80-90 के दशक में माधुरी जब हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी, उस दौरान महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम अगर नहीं किया तो इसके पीछे की वजह रहे सिर्फ और सिर्फ अनिल कपूर। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी और इन सबके बीच में अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर कई दफा बनी। तेजाब, लाडला, राम लखन, बेटा जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अनिल के साथ काम किया और इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट बन गई। एक साथ काम करते करते दावा किया जाता है कि अनिल कपूर माधुरी को लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव हो गए थे। और ये वही दौर है जब माधुरी और अनिल कपूर की गुपचुप शादी के चर्चे हर जगह हो रहे थे। बताया जाता है कि अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया। जी हाँ, माधुरी से अमिताभ बच्चन के साथ काम ना करने का वादा अनिल कपूर ने लिया। हालांकि फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में एक आइटम नंबर में दोनों ने स्क्रीन शेयर की। अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन, इन दोनों को टफ कॉम्पिटिटर माना जाता था।
बताया जाता था कि अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन एक दूजे के प्रतिद्वंदी थे और माधुरी की छवि कुछ इस तरह से बन चुकी थी, जो भी अभिनेता उनके साथ फिल्मी पर्दे पर नजर आता वो बाद में हिट हो जाता। तो ऐसे में अनिल कपूर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि माधुरी दीक्षित फिल्मी पर्दे पर अमिताभ बच्चन के साथ काम करे और अमिताभ बच्चन हिट हो। इसलिए माधुरी ने अनिल कपूर को वादा कर दिया और बिग बी के साथ फिल्मी पर्दे पर कभी काम नहीं किया। दावा किया जाता है कि बिग बी एक वक्त पर माधुरी दीक्षित से काफी ज्यादा खफा हो गए थे, क्योंकि लगातार माधुरी को फिल्में ऑफर होती जा रही थी बिग बी के साथ और लगातार माधुरी फिल्मों से इनकार करती जा रही थी। बिग बी और माधुरी दीक्षित के संबंध यहां पर बिगड़ने लगे, लेकिन बाद में जब अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित से मुंह मोड़ लिया, जब अनिल कपूर ने अपने और माधुरी दीक्षित के रिश्ते पर यह कह दिया कि मैं घर बसाने वाला आदमी हूं और मेरा घर बस चुका है, माधुरी को क्या सही है क्या गलत है इसका एहसास हुआ और उन्होंने बिग बी के साथ अपने रिश्ते को ठीक किया, जिसकी कुछ झलक आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे। एक वक्त पर अनिल कपूर के साथ काफी ज्यादा करीब रही माधुरी दीक्षित किस तरह से जा रही हैं यहाँ करीब किसी और के नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के, इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये रिश्ता आप देख ही सकते हैं। खैर, बिग बी के साथ काम ना करने का मलाल माधुरी को ताउम्र रहा। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अमिताभ बच्चन के साथ काम ना करने का अफसोस माधुरी को रहा और वहां दूसरी तरफ विनोद खन्ना के साथ काम करने का अफसोस माधुरी को रहा। माधुरी पछताती हैं कि उन्होंने कुछ फैसलों की वजह से बिग बी के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की और माधुरी पछताती हैं कि कुछ फैसलों की वजह से विनोद खन्ना के साथ उन्होंने इंटीमेट सीन्स किए, जिनकी वजह से आज भी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित से जुड़ा ये किस्सा सुनिए जरा। और दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी माधुरी दीक्षित के साथ यहाँ पर जुड़ती है, विनोद खन्ना को लेकर। बता दे आपको, फिल्म दयावान में माधुरी और विनोद खन्ना, इन दोनों की केमिस्ट्री नजर आई थी। फिल्म दयावान में माधुरी और विनोद खन्ना ने एक साथ कई ऐसे सीन्स दिए थे जिन्हें लेकर बाद में खूब बवाल मचा। इंटीमेट सीन्स विनोद खन्ना के साथ माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए और इसके बाद यहां टेलीटाउन से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक हर जगह यही चर्चे होने लगे कि माधुरी दीक्षित को किस करते हुए विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि माधुरी को इस किसिंग सीन की भनक तक नहीं थी और फिल्म के डायरेक्टर्स ने उन्हें बिना बताए इस तरह के सीन उन पर फिल्माए। कहा यह भी जाता है कि दयावान की शूटिंग के समय विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने रोमांटिक सीन्स करते करते माधुरी दीक्षित को चोट पहुंचा दी थी। रोमांटिक सीन्स करते करते उन्होंने माधुरी दीक्षित को बहुत ज्यादा जोर से जकड़ लिया, जिसकी वजह से धक धक गर्ल को काफी ज्यादा तकलीफ हुई। इसके लिए बाद में विनोद ने माधुरी से माफी भी मांगी। बता दे आपको, कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित को ताउम्र फिल्म दयावान में इस तरह के सीन्स करने का अफसोस रहा और माधुरी दीक्षित जो खुद भी अपनी फिल्मों को नहीं देखना चाहती, उन फिल्मों की लिस्ट में दयावान का नाम सबसे ज्यादा शीर्ष पर है। माधुरी को भी लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था फिल्म दयावान में ऐसे सीन्स देने के लिए। लोगों ने उन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठाए, उन्हें लेकर कई तरह की बातें कही और अंत में माधुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा कभी ऐसे सीन्स ना करने का ऐलान भी किया। ये कॉन्ट्रोवर्सी भी धक धक गर्ल से जुड़ी है जो आज तक ताजा ही है। तो देखा आपने किस तरह से फ्लैशबैक बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया और विनोद खन्ना के साथ काम किया, इन दोनों का मलाल धक धक गर्ल को अब तक है। दोस्तों, आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।